भारत में बढ़ रहे कोरोना मामले पर डब्ल्यूएचओ ने जताई है चिंता। कहा भारत में कोरोना की स्थिति चिंताजनक, भारत के कई राज्यों में कोरोना के मामले ज्यादा। डब्ल्यूएचओ को गरीब देशों की चिंता। कहा बच्चों को वैक्सीनेट ना करें, अमीर देश ये टीके गरीब देशों को डोनेट करें, महामारी का दूसरा साल पहले से ज्यादा खतरनाक। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना संकट में भारत की मदद करने वालों का किया धन्यवाद। कहा कोरोना संकट से भारत बुरी तरह से जूझ रहा है। आज कोरोना संकट पर चार राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री होंगे शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा यह वक्त राजनीति का नहीं है, अब वैक्सीनेशन पर जोर देना होगा। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, अब नहीं है। दिल्ली में आईसीयू बेड्स को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा एक दो दिन में 1200 आईसीयू बेड्स तैयार हो जाएंगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की घटी रफ्तार, बीते 24 घंटे में करीब 8,500 नए केस। सीएम केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार, दिल्ली सरकार पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,140 लोग हुए ठीक, वहीं कोरोना से 289 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में संक्रमण दर पहले से हुई कम, संक्रमण दर 12% के करीब पहुंचा। कोरोना महामारी को लेकर बोले पीएम मोदी, बहुत चिंतापूर्ण चुनौती का दौर है, अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा है देश, न भारत कभी हारा और न हारेगा। इस मुश्किल दौर को लेकर पीएम मोदी ने कहा, कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा उस दर्द को उतना ही वो भी महसूस कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन पर बोले पीएम मोदी, बचाव का बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। भारत में स्पुतनिक वैक्सीन लगाना शुरू, हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के दीपक सपड़ा ने ली पहली डोज। स्पुतनिक वैक्सीन को सीडीएल से मिली है क्लियरेंस, करीब 1000 रुपए की होगी इसकी एक डोज। मुंबई में कोरोना के मामलों में लगातार आ रही कमी, बीते 24 घंटे में 1657 नए केस, में 2572 लोग हुए ठीक, तो 62 लोगों ने गवाई जान। नागपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1996 नए केस, जबकि 70 लोगों की हुई मौत। कोरोना की दूसरी लहर का भारत में कहर जारी, पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह पसरा मातम, बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 4000 लोगों की मौत। देश में कोरोना के नए मामलों में मामूली कमी, बीते 24 घंटे में 3,43,000 नए केस आए सामने। हरियाणा की करनाल जेल में कोरोना विस्फोट, दो दिन में सामने आए हैं 59 पॉजिटिव मामले, वहीं करनाल बाल सुधार गृह में 25 बच्चों की कोरोना संक्रमण। कोरोना संकट के बीच में देश में ब्लैक फंगस का बड़ा खतरा, यूपी एमपी समेत ज्यादातर राज्यों में ब्लैक फंगस बरपा रहा है कहर। गुजरात के अहमदाबाद में ब्लैक फंगस का कहर चल रहा है, 296 मरीजों का इलाज, अहमदाबाद सिविल अस्पताल में जारी है इलाज। यूपी में ब्लैक फंगस का अटैक जारी है, आरएमएल में भी 7 और केजीएमयू में 5 मरीजों का चल रहा है इलाज। यूपी में तेजी से फैल रहा है ब्लैक फंगस, मथुरा में बुजुर्ग महिला की आंखों की रोशनी गई, कोरोना से उबरने के 5 दिन बाद दिखे लक्षण। बिहार में भी बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का खतरा, पटना की 2 अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 2 नए मरीज मिले हैं, कई मरीज संदिग्ध। आज से लद्दाख में 18 साल से ऊपर के युवाओं को लगेगा टीका, वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल टीम भी तैनात। आज महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल पहुंचेगा तोपते चक्रवात, एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात। तूफानी हवाएं और मूसलाधार बारिश होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, चक्रवात का नाम म्यांमार में हुई उत्पत्ति के आधार पर तोकते रखा गया है। केरल की कोची में तोकते का दिख रहा असर, लोगों के घरों में घुस रहा पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। यूपी के संभल में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे ग्रामीणों को रौंदा, हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, राहगीरों ने कार लेकर भाग रहे ड्राइवर को जमकर पीटा। पंजाब के लुधियाना में हादसा, तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत, तालाब में बच्चों को बचाने के लिए कूदा व्यक्ति भी डूबा। लुधियाना हादसे पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जाहिर किया दुख, पीड़ित परिवारों के 50,000 रुपए की मदद का ऐलान। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सीएम ममता के बीच में टकराव बढ़ा, आज नंदीग्राम जाएंगे राज्यपाल जगदीप धनखड़। असम के तिनसुकिया मार्केट में ग्रेनेड से हमला, ग्रेनेड हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल।
मधेपुरा के पूर्व सांसद डॉक्टर रमेंद्र कुमार यादव रवि की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। 7 दिनों से चल रहा था इलाज, पटना के प्राइवेट अस्पताल में तोड़ा दम। शेखपुरा में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जिया, शादी समारोह में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखा। महिलाओं के डांस के दौरान बेकाबू भीड़ का वीडियो भी हो रहा है वायरल। जीबीआर झारखंड की खबर का असर, कैमूर से यूपी के गाजीपुर लाए जा रहे शवों के अंतिम संस्कार पर लगी रोक हटी है। एसपी लेवल की बातचीत से निकला है रास्ता, गंगा नदी में शवों को ना फेंकने का निर्देश। बिहार में लॉकडाउन से कोरोना की थम रही रफ्तार, 24 घंटे में 7494 नए केस आए सामने। लगातार 3 दिनों से घट रहे आंकड़े, पटना में भी लगाम, 24 घंटे में 667 नए केस आए सामने। मधेपुरा में नियमों का पालन करवाना पुलिस को पड़ा है महंगा, कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करवाने पहुंचे सी और उनकी गार्ड पर हमला, स्थानीय दुकानदारों ने ईंट और पत्थर से किया हमला। गया में प्रशासन की चुस्ती से कोरोना का संक्रमण घटा है, संक्रमित की संख्या में भारी गिरावट, जागरूकता अभियान का दिखा असर। छपरा में सरकारी अभियान के साथ जुड़ रहे हैं लोग, जिला प्रशासन के सहयोग से सीआईटी द्वारा टीका केंद्र लगाकर लोगों को लगाया जा रहा है वैक्सीन। आरा में वर्दी की हलक में दिखा दबंग दारोगा, दुकान खुली रहने पर महिलाओं से गाली गलौज और दुर्व्यवहार किया गया। सिमडेगा में 18 प्लस लोगों के बीच में वैक्सीनेशन शुरू, वैक्सीनेशन सेंटर पर युवाओं की दिखी भीड़। बिहार के शवों का यूपी में दाह संस्कार करने पर रोक, कैमूर रोहतास औरंगाबाद में बॉर्डर से लौटाए गए शव। जेडीयू महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर तारा श्वेतार्य ने कहा है कि लालू यादव को मनोबल बढ़ाने वाली बात करनी चाहिए, ना कि नकारात्मक बातें। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने लालू यादव के बयान को जायज करार दिया है, कहा है कि कोरोना भी अदृश्य और सरकार भी, कोरोना के डर से जिलों के प्रभारी मंत्री भी गायब। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर उठाया सवाल, कहा टीका लगाने के लिए लोग भटक रहे हैं, टीकाकरण में सरकार पूरी तरह से फेल। मुजफ्फरपुर जिले के वैशाली कोविड केयर सेंटर में विकास ने 20 दिन बाद कोरोना से जीती जंग, वेंटिलेटर पर थे विकास, नाजुक स्थिति में डॉक्टरों ने बढ़ाया हौसला। हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट खुलवाने के लिए समाजसेवी अजीत सिंह ने किया सत्याग्रह, हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 20 साल से बंद पड़ा था शराबबगी ऑक्सीजन प्लांट। झारखंड में 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत, सरकार के पास फिलहाल वैक्सीन की करीब 6.5 लाख डोज। घाटशिला में प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल, ठेले में लादकर अस्पताल लाए जा रहे हैं मरीज, बहरागोड़ा सीएचसी में 3 एम्बुलेंस होने के बावजूद लापरवाही। झारखंड में भी कोरोना का कहर जारी, बीते 24 घंटे के भीतर 3776 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 76 कोरोना संक्रमित की मौत हुई। झारखंड में नई कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सियासत जारी है, 16 मई से प्रभावी होने पर बीजेपी सांसद संजय सेठ ने उठाए सवाल, पूछा कड़े निर्णय के बीच 2 दिन की छुट्टी का। जामताड़ा में भी झारखंड जन जागृति मंच की पहल, जगह जगह पर किया सैनिटाइजेशन का छिड़काव, मास्क का किया वितरण, लोगों को किया गया जागरूक। हजारीबाग में कोरोना टेस्ट, इचाक प्रखंड की खुटरा पंचायत में 12 दिन में 10 मौत, सीएम ने भी मामले पर लिया संज्ञान। लातेहार के सदर अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को मुफ्त में खाने की सप्लाई, आरएसएस के कार्यकर्ता भी मरीजों को भोजन मुहैया कराने में जुटे हुए। सिमडेगा में लॉकडाउन का व्यापक असर, महावीर चौक पर छाया सन्नाटा, गांव में भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं लोग, गाइडलाइंस तोड़ने पर पुलिस कर रही है बड़ी कार्रवाई। सिमडेगा में कई जगहों पर कोरोना टेस्ट कैंप लगाए गए हैं, पहले दिन कोरोना टेस्ट में 162 लोग संक्रमित मिले हैं, जिले में अब तक कोरोना से 66 लोगों की मौत, जिले में करीब 1100 के करीब पहुंचे एक्टिव केस। कड़वा के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अधिकारियों ने आम लोगों सहित स्वास्थ्य कर्मियों की हौसला अफजाही की है, केंद्र में मौजूद लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक किया गया। लॉकडाउन से छोटे किसान परेशान, दोपहर 2 बजे के बाद घरों से निकलने की मनाही, किसानों का कहना है कि घर से बाजार तक सब्जी लाने में 10 बज जाते हैं, सब्जी बेचने के लिए 1 से 2 घंटे मिलते हैं। गिरिडीह जिले में 18 से 45 साल के लोगों का टीकाकरण शुरू, शहरी क्षेत्रों के 5 केंद्रों पर टीकाकरण, कोरोना वैक्सीन को लेकर युवा वर्ग में दिखा भारी उत्साह। लातेहार जिले में कुल 26 केंद्रों पर टीकाकरण, सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन का काम हुआ है शुरू। हजारीबाग में शहर के 4 केंद्रों में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने का काम किया जा रहा है, वहीं प्रखंडों में भी वैक्सीनेशन के लिए केंद्र बनाए गए। युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर बोकारो में उत्साह, वैक्सीन लेने के बाद युवाओं ने सभी को टीकाकरण कराने की अपील।
दानापुर के शाहपुरा में नकाबपोश बदमाशों की दहशत, वार्ड पार्षद और उसके दोस्त को मारी गोली। दानापुर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है इलाज। पटना में रिटायर्ड शिक्षक दंपति हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा। संपत्ति विवाद में बेटा, बहू और पोते ने मिलकर दोनों का किया मर्डर। पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। विक्रम थाना क्षेत्र के मोहनचक गांव के पास अज्ञात वाहन से कुचलकर एक युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पश्चिम चंपारण के बेतिया में कोरोना कहर के बीच में बारबालाओं के अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो एक शादी समारोह का है जिसमें बारबालाएं झूमती नजर आ रही। बांका में पेड़ से लटका मिला है एक युवक का शव। प्रेम प्रसंग में बेरहमी से की गई हत्या। सदर अनुमंडल के बोनसी थाना की घटना। केमूर में मिट्टी काटने के दौरान विवाद में गोली चल गई है जिसमें पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अनुमंडल अस्पताल मोहनिया में भर्ती कराया गया। गंगा नदी की धार में मिले मगरमच्छ, मछुआरों के जाल में फंसा मगरमच्छ। मगरमच्छ को पकड़कर प्रशासन को दी जानकारी। अरवल के सुहार पुल पर स्कॉर्पियो ने तीन मजदूरों को चक्कर मार दिया। हादसे में दो मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं तीसरे मजदूर ने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। मुजफ्फरपुर में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक में मारी टक्कर, तीन युवक घायल। मनियारी थाना क्षेत्र की घटना। आरा में बालू माफियाओं पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 11 ओवरलोडेड बालू लदे ट्रक जब्त किए गए हैं। बालू माफियाओं में मचा हड़कंप। भागलपुर के नौगछिया में औषधि निरीक्षण ने नौगछिया बाजार के तीन दवा दुकानों की जांच की है और जांच करने के बाद दयानंद प्रसाद ने कहा कि तीनों दुकानों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी मिली। साहिबगंज में एक शख्स को अवैध रूप से शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया गया। देसी और विदेशी शराब की कुल 30 बोतल बरामद। हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन पर भीग रहा सरकारी राशन। ठेकेदार की लापरवाही से पीडीएस दुकानों तक नहीं पहुंचा राशन। गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र के परसर गांव में ओझा गुणी के आरोप में ग्रामीण की हत्या। गांव के ही युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। खाजुए कला थाना क्षेत्र के मच्छरहटा मंडी में चोरी। प्लास्टिक के थोक विक्रेता की दुकान में चोरी। दुकान का ताला तोड़कर वारदात को दिया गया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। दरभंगा के डीएमसीएच में इलाजरत जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को डीएमसीएच में गठित मेडिकल टीम ने पटना भेजने की सिफारिश की। बोर्ड की बैठक में पप्पू यादव के बेहतर उपचार को लेकर चर्चा की गई। कोरोना मरीजों के हक में इंश्योरेंस का अहम फैसला। पीपीई किट और बायोमेट्रिक वेस्ट का खर्च मेडिक्लेम में होगा शामिल। पॉलिसी होल्डर की शिकायत पर बदलाव। विदेश जाने के लिए अब हवाई सफर पर आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पर क्यूआर कोड होना जरूरी। फर्जी रिपोर्ट के चलते एयर इंडिया एक्सप्रेस का फैसला। कोरोना के चलते ऑफलाइन बिक्री बुरी तरह से प्रभावित। अक्षय तृतीया में 10% तक पहुंची गोल्ड की ऑफलाइन बिक्री। डिजिटल पेमेंट में टॉप 10 देशों में रियल टाइम पेमेंट में भारत सबसे टॉप पर। चीन दूसरे नंबर पर, वहीं अमेरिका 9वें नंबर तो जापान 7वें नंबर पर। बजट एयरलाइंस गो एयर ने 3,600 करोड़ रुपए का आईपीओ जारी करने के लिए सेबी के पास जमा किए दस्तावेज। कंपनी ने अपना ब्रांड नेम बदलकर गो फास्ट किया। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल का ग्राहकों को अनोखा ऑफर। 279 रुपए के प्रीपेड रिचार्ज पर दे रही 4 लाख का इंश्योरेंस। इंग्लैंड टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का कोहली पर तंज। लोग ज्यादा लाइक के लिए बताते हैं महान। विलियमसन भारत के होते तो सबसे महान कहलाते। लॉकडाउन में छुट्टी मनाने गोवा जा रहे पृथ्वी शाह को पुलिस ने रोका। मोबाइल से ई पास बनवाने के बाद ही पृथ्वी शाह को जाने दिया गया। भारतीय टेस्ट टीम के विकेटकीपर रिद्धिमान शाह फिर संक्रमित हो गए हैं। इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली टीम में शामिल होने के लिए 25 मई तक होना होगा निगेटिव। मिताली राज के विवाद के बाद पद से हटाए गए रमेश पवार फिर बने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच। 2018 में मिताली से अनबन के बाद छोड़ना पड़ा था पद। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैरी गर्नी ने लिया क्रिकेट से संन्यास। कहा, चोट के आगे संन्यास लेने को मजबूर हूं। 2014 में क्रिकेट में डेब्यू किया था। ईद पर सोशल मीडिया पर गाना शेयर करने पर एक्ट्रेस सोनम कपूर हुई ट्रॉल। यूजर ने पूछा, पोस्ट के लिए कितने पैसे मिले? सोनम ने शख्स को किया ब्लॉक। कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं सिंगर कैलाश खैर। 2000 बेड का किया इंतजाम। परेश रावल की मौत की अफवाह पर यूजर ने लिखा, परेश रावल नहीं रहे। लेकिन उसी अंदाज में परेश रावल ने ट्वीट कर कहा, गलतफहमी के लिए माफ करें, सुबह 7 बजे तो मैं सोया था।
इरफान खान की रोग और इमरान हाशमी की मर्डर जैसी फिल्मों में डायलॉग लिखने वाले राइटर सुबोध चोपड़ा का निधन, कोरोना के बाद कार्डियर अरेस्ट आया था। कोरोना से जंग जीते रणधीर कपूर को कोकिला बेन अस्पताल से मिली छुट्टी, कहा मैं घर आ गया हूं और पूरी तरीके से स्वस्थ हूं। इसराइल हमास के बीच में जंग जारी, इसराइल ने गांजा में बम से किया हमला, तो वहीं इसराइल ने भी रॉकेट दागे, अब तक 119 लोगों की मौत की खबर। इसराइल और हमास के बीच में संघर्ष को लेकर बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन, फिलिस्तीनियों के समर्थन में निकाला गया मार्च। इसराइल से केरल पहुंचेगा सोमिया संतोष का शव, हमास के रॉकेट हमले में हुई थी मौत। अफगानिस्तान के काबुल में जुमे की नमाज शुरू होते ही मस्जिद में हुआ ब्लास्ट, हमले में 12 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। स्कॉटलैंड में दो भारतीयों को ले जा रही पुलिस का लोगों ने किया घेराव, कानूनी प्रक्रिया के बाद भारतीयों को रिहा किया गया।